क्या पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती कम हो गई है क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है अफगानिस्तान में विड्रॉल के बाद यूएस ट्रूप विड्रॉल के बाद पाकिस्तान पर और भारत पर क्या असरा मुरतब होने जा रहे हैं क्या पाकिस्तान और भारत की कभी दोस्ती होगी मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह वेलकम टू माई शो आज आप देख ही रहे हैं जो पर्सनालिटी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रही हैं इनसे काफी महीनों से काफी अर्से था और हम कोशिश कर रहे थे कि ये प्रोग्राम में तशरीफ तो ले आए। uh, हमारे साथ मौजूद है बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी पर्सनालिटी टू टाइम्स जो एम्बेसिडर रह चुके हैं पाकिस्तान के श्रीलंका एंड यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मर एम्बेसिडर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड श्रीलंका ऑथर राइटर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हुसैन हक्कानी थैंक यू सो मच मिस्टर हुसैन हक्कानी साहब फॉर ज्वाइनिंग माई आलिया हुसैन हक्कानी साहब आप जैसा मैंने कहा कि बड़ी ख्वाहिश थी कि आप तशरीफ तस, लाएं इसकी वजह यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल है दुनिया की और पाकिस्तान की उसके ऊपर आप क्योंकि बहुत ही जिस तरह मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में आप एम्बेसिडर रह चुके हैं आप हालात को बहुत अच्छे तरीके से, से जानते हैं फिर इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से ये सब जो मैंने कहा कि इस पर हम बात करेंगे लेकिन मैं बात का आगाज इस सवाल से करना चाहूंगी कि आपके ताल्लुक कुछ अः पाकिस्तान के इदारों के साथ कुछ रियासत के साथ कुछ हुकूमतों के साथ इतने बेहतर जो है वो नहीं रहे नहीं रह सके तो इस वक्त कुछ बेहतर है हालात आपके ताल्लुकात मेरा ये ख्याल है कि मैंने तो कभी किसी से ताल्लुक नहीं बिगाड़ा आ, लोगों ने मुझसे ताल्लुक बिगाड़ा और जिनको जिन्होंने ताल्लुक बिगाड़ा हमेशा हर एक को बाद में ये ख्याल आया कि शायद गलती हो गई आ, उसका सबब यह है कि हमने अपनी कौम को एक जज्बाती कौम बनाया है उसमें फिर हमारे कायदीन में भी और इधारों में भी एक जज्बातीत आ जाती है तो जो ठंडे दिल से सोचने वाले लोग होते हैं वो फिर जज्बाती लोगों को नाराज कर देते हैं क्योंकि जज्बाती आदमी की का, 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 सोचने का तरीका ही होता है कि तुमने मेरी मानी क्यों नहीं ये क्यों नहीं किया और इस वजह से कभी कभी नाराजगी होती रहती है लेकिन मैं तो अपनी सोच पर क़ायम हूँ मतलब ये कि गुज्तर कोई बीस पच्चीस बरस से मेरी एक ही सोच है और उस सोच के चंद अनासर ये हैं कि पाकिस्तान को अगर एक ऐसा मुल्क बनना है जैसे बाकी तमाम ममालिक हैं तो उसको ये कहना बंद करना होगा कि हम एक नजरियाती ममलिकत हैं जदीद दौर में नजरियाती ममलिकतें कामयाब नहीं होती चीन का कहने को नजरिया कम्युनिज्म था लेकिन अगर आप देखें तो वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सरमायादार मुल्क बन गया है तो नजरियाती ममलिकत की बजाय एक अमलियत पसंद हकीकत पसंद मुल्क हम बने दूसरी बात यह है कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो और वो इसी वक्त हो सकती है कि जब इख्तियारत जिसके पास आइन के मुताबिक हैं वही उनको इस्तेमाल करे ऐसा ना हो कि आइनी इख्तियार तो आलिया के पास है लेकिन इख्तियार इस्तेमाल हुसैन तानी कर रहे हैं तीसरी बात मेरी सोच की यह है कि दुनिया में कोई मुल्क मुस्तकिल किसी का दुश्मन नहीं होता मुस्तकिल किसी का दोस्त नहीं होता कौमों के मफादात होते हैं और मफादात का तयन गौर विक्र के साथ किया जाना चाहिए और उसके बाद फिर किससे कितने अरसे दोस्ती रखनी है किससे किस कितने अरसे दुश्मनी करनी है ये फैसले होते हैं तारीख में आप देख लीजिए बहुत सारे ममालिक की दुश्मनी रही जंगे हुई उसके बाद वो दोस्त भी बन गए अगर आप आज देखें तो यूरोप का कोई मुल्क एक दूसरे का दुश्मन नहीं है हालांकि इन सबकी जंगे आपस में हो चुकी हैं एक हंड्रेड ईयर्स वॉर थी एक थर्टी ईयर्स वॉर थी फिर बरतानिया किसी वक्त पुर्तगाल का हलीफ था स्पेन के खिलाफ फिर स्पेन का हलीफ था फ्रांस के खिलाफ फिर फ्रांस का हलीफ था जर्मनी के खिलाफ वगैरह 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 तो आ, अपने आवाम की खुशहाली और अपने लोगों को बेहतर जिंदगी देना कौमों का मकसद होना चाहिए कौमों की खारजा पॉलिसी का मकसद होना चाहिए इसको नजरियाती नहीं बनाया जाता और इसी तरीके के साथ कौमों की जो तजारती जिंदगी है उसमें करीबी जो ममालिक हैं जगराफियाई तौर पर आपसे उनके साथ ज्यादा तजारत होना मुल्क के मफाद में होता है तो इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि तमाम तर मुश्किल के बावजूद और भारत में जो एक सोच पाकिस्तान के खिलाफ पैदा हो गई है बदकस्मती से उसके बावजूद भारत के साथ तल्लत को बेहतर बनाया जाए अफगानिस्तान में पाकिस्तान को ऐसी हुकूमत चाहिए कि जो पाकिस्तान के साथ दोस्त हो तो उसका तरीका ये है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत को दोस्त बना ले ना कि इस बात की कोशिश करता रहे कि अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करे तो ये वो और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान को इंत पसंदी और दहशत गर्दी से नथी नहीं होना चाहिए तो ये सोच मेरी कई साल से है कभी जो इदारों के या मुख्तफ सियासी पार्टियों के लोग हैं वो अगर वहाँ मकामी तौर पर खेलने के लिए इनमें से किसी बात से मुख्तलिफ राय इख्तियार करते हैं तो मुझको गालियां देनी शुरू कर देते हैं अब आजकल जरा रुझान ये कि हर एक क्या कह रहा है कि हाँ 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 वाकई ये बात जरूरी है पाकिस्तान को दहशत गर्द नहीं होना चाहिए वो तो कुछ थोड़ा सा गालियां कम हो गई हैं लेकिन ना मैं गालियों से घबराया हूं न मैं गालियां कम हो जाने से खुश हो जाता हूं मैं तो अपनी एक राय जाहिर करता हूं और हकीकत यह है कि सियासी जो अमल है उसमें सबसे अहम बात यही होती है कि आप क्या राय और क्या पॉलिसी लोगों के सामने पेश करें किसी मुल्क को आज तक किसी की राय से नुकसान नहीं पहुंचा उस मुल्क की पॉलिसियों और गलत इकदाम से नुकसान पहुंचा है तो इसलिए मेरी राय पर गालम गलोच करने वाले अब अगर कम हो रहे हैं तो वो भी अच्छा है और अगर फिर दोबारा बढ़ गए तब भी मेरी राय पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेरी वेल सेड हकानी साहब आई वुड लाइक टू टेक योर कॉमेंट ऑन पाकिस्तान एंड अमेरिका फर्स्ट कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है हम देख रहे हैं कि अब ये कुछ कहा जा रहा है नजर आ रहा है कि अमेरिका तो भारत की तरफ चला गया और जो पाकिस्तान के तलुकात थे वो अब उतने बेहतर नहीं रहे अम, अमेरिका से और अब लगता है कि अब वो शिफ्ट एक आ रही है कि पाकिस्तान रशिया की तरफ जो है वो वहां से जो विजिट हुआ फॉरेन अफेयर्स का वो बहुत सारी बातें सामने आई आप वहां पर मौजूद हैं और आप पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे यूनाइटेड स्टेट्स में उस दौरान मेरा ख्याल है कि सात अरब डॉलर से शायद ज्यादा जो है वो इमदाद और इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान की दोस्ती अब अमेरिका से इस हद तक कम हो गई कि हम किसी और तरफ देख रहे हैं देखिए पहली बात तो यह है कि मैंने पहले ही कहा कि कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होते खारजा पॉलिसी में कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होने चाहिए लेकिन क्योंकि हम जज्बाती तौर तो पर फैसले करते हैं तो हम जब अमरीका से करीब थे तो उस जमाने में हम उसको यूं समझते थे कि जैसे ये कोई ये राजा की रिश्त, का रिश्ता हो गया है कि उसके अंदर कितने ही कैदू बीच में आ जाए खत्म नहीं होगा ये गलत फहमी थी हमारी अमेरिका के कुछ मफादात थे वो मफादात हम पूरे कर रहे थे फिर अमेरिका के बाद फादात हमने पूरे करने बंद कर दिए अमेरिका को हम पर अहतम कम होता चला गया अब अमेरिका की जो सोच है बैन अवी मामला में वो यह है कि वो चीन को एक उभरता हुआ खतरा देख रहे हैं और रूस को भी वो समझते हैं कि रूस खुद अब उतना बड़ा खतरा नहीं रहा रूस जो है वो चीन की मदद से ही यूरोप के अंदर अपना असर नफूज बढ़ाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जो फौजी क़वत है वो चीन से कई गुना ज्यादा है अभी भी लेकिन अकतदी तौर तो पर चीन की इकतसादी सलाहियत बढ़ रही है और जैसे जैसे किसी मुल्क की अकतदी सलाहियत बढ़ती है तो उसके पास वसाइल आते हैं अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने के गरीब ममालिक बहुत बड़ी अस्करी क़ुत नहीं बन सकते अस्करी कवत बनने के लिए इकतसादी तौर तो पर खुद मुख्तार होना और ताकतवर होना जरूरी है चीन के पास वो सलाहियत आई है तो अब अमेरिका जब दुनिया में कोई इस तरह से देख रहा है कि अगला खतरा अमेरिका की दुनिया पर बालादस्ती को चीन से है तो फिर पाकिस्तान अगर चीन के बहुत करीब है और भारत चीन के मुखालिफ है तो अमेरिका को फिर ये लगता है कि भारत हमारा ज़्यादा फितरी हलीफ है हालांकि अमेरिका में ऐसे समझदार लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं पाकिस्तान एक अहम मुल्क है बीस करोड़ लोगों का मुल्क है मुसलमान मुल्कों में एक नुमाया मुल्क है एक एटमी ताकत है तो इसके साथ हमारे अच्छे तालुकत होने चाहिए तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्ल टूट गए हों उनमें पुरानी जैसी गर्मजोशी नहीं रही मफादात की तारीफ दोनों तरफ बदल गई है मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का मफाद अब भी इस बात में है कि अमेरिका के साथ उसके अच्छे तालुकात हों और उसका सर, उसके कई इसबाब हैं पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो चीन को उतनी नहीं हो सकती जितनी अमेरिका को हो सकती हैं क्योंकि चीन में चीन खुद दुनिया का एक बहुत सस्ती चीजें बनाने वाला मुल्क है तो हमसे क्या खरीदेगा और इसी तरीके के साथ टेक्नोलॉजी चीन की टेक्नोलॉजी अमेरिका की टेक्नोलॉजी से यकीनन बहुत सारे शोबों में पीछे है फिर आखिरी बात यह है कि चीन जो फौजी साजो सामान है वो बेचता है दुनिया का हर मुल्क फौजी साजो जो फौजी साजो सामान बनाता है वो फौजी साजो सामान बेचता है अमेरिका वाद मुल्क है जो अपने हलीफ मुल्कों को आ, बहुत ही रियायती शर्तों के ऊपर फौजी साजो सामान दे देता है आ, एक तरह से इमदाद के तौर के ऊपर तो यही वजह थी जो पाकिस्तान अमेरिका का हलीफ बना उस वक्त हमें फौजी साजो सामान चाहिए था हमारी फौज बहुत बड़ी थी लेकिन सामान हमें नहीं मिला था तो वो सामान लेने के लिए हम अमेरिका की तरफ आए हमें उस जमाने में आपको याद होगा पैंसठ की जंग हमने सेबर तैयारों से लड़ी पैटर्न टैंकों से लड़ी वो सब अमरीका का साजो सामान था अब भी हमारे पास एफ सिक्सटीन है अब भी हमारे पास जो अच्छे टैंक हैं वो अमेरिका के दिए हुए एम वन टैंक्स हैं और इस तरह से और बहुत सारा सामान ऐसा है हमारी नेवी के पास जो जहाज हैं उनमें काफी अमरीकी बनाए हुए हैं तो इसलिए अमेरिका के साथ ताल्लुक हमारे मफाद में है फिर ये कि अमेरिका में चीन के मुकाबले में एक और बात यह है कि कोई चीनी अमेरिका में कोई पाकिस्तानी ऐसे नहीं है जिनको चीन की शहरियत मिल गई हो अमेरिका में लाखों पाकिस्तानी है जिनको अमेरिका की शहरियत मिली हुई वो हमारे यहाँ रेमिटेंसेस भी भेजते हैं आप मुझे बताएं चीन से तो कोई रेमिटेंसेस नहीं आते तो इसलिए हमें इन तमाम वजूहत की वजह से और अमेरिका बहरहाल एक बहुत ही बासर ताकत है जिसका बहुत सारे ममालिक के ऊपर असर रसूख है तो हमारे ताल्लुक अच्छे होने चाहिए ये खराब इस वजह से हुए हैं कि हमने जज्बाती अंदाज में जब उनसे अख्तिलाफ किया तो उसके अंदर हमने शोर मचाना शुरू कर दिया बहुत सारे मामला जो खामोशी से तय होने चाहिए थे खामोशी से तय होने की बजाय हमने सड़कों पर तय करने की कोशिश की या आपको याद होगा इमरान खान साहब जो है वो नेटो के कॉन्वॉय को रोकने के लिए पहुंच गए थे सड़कों के ऊपर के जी रोक दो इनको नहीं जाने देंगे वगैरह वगैरह और बाद हम ये गलती करते हैं जो जनरल मुशरफ ने की कि उन्होंने फौरन ही अमरीका को बहुत सी सहूलतें दे दी ताकि अमरीका पाकिस्तान को डांटना डपटना बंद कर दे नाइन इलेवन के बाद लेकिन उन सहूलतों की कोई शर्तें किसी माहे की तौर पर तहरीर नहीं हुई मतलब जैकबाबाद में उन अमरीकनों की बेस थी लेकिन किन शर्तों पर थी वो शर्तें कहीं तहरीर नहीं की गई थी उस वजह से बहुत सारे मामला हो गए जिनसे गलत फहमियां हो गई तो अब जिस चीज की जरूरत है वो है कि हम ठंडे दिल से पहले तो मैं ये कहता हूं कि हर चीज ही हम ठंडे दिल से करनी शुरू करें जरा जिसको कहते हैं ना स... कि दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करें दिल कम इस्तेमाल करें वो है दिल का किरदार होता है जज्बात का किरदार होता है जिंदगी में लेकिन अगर हर चीज जज्बाती तौर पर होगी तो ये नहीं कि लो जी मैं ताड़े, ताड़े, तो रुस गया मैं बस आपसे रुट गया हूं ऐसे नहीं होता मुल्कों के साथ मामला प्रैक्टिकल नेसेसिटीज की बुनियाद पे होने चाहिए वो इस वक्त नहीं किए जा रहे तो इस वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक बोध नज़र आ रहा है अमेरिका का सफीर बहुत अरसों से पाकिस्तान में नहीं है आप देखें अमरीकी मीडिया में पाकिस्तान का उतना जिक्र नहीं आता जितना पहले आता था और अमरीका और पाकिस्तान की तिजारत सिर्फ साढ़े छह अरब डॉलर है अगर इसका आप मुजन भारत से करें तो उनकी एक अरब डॉलर की तजारत है सालाना तो ये जो पाक हमारी और उनकी आबादी में फर्क है भारत की और पाकिस्तान में लेकिन उससे कई गुना ज्यादा फर्क है तजारत के तजारत में तो ये वो चल सब चीजें हैं जिनकी वजह से मुश्किलात हैं लेकिन इनको दूर करने की जरूरत है अगर कोई दूर करने पर आमादा हो जाए ठीक हकानी साहब इससे एक तो आपकी जो आपने एनालिसिस किया इससे ही एक सवाल निकला दूसरा मैं अपना भी एक साथ ऐड करना चाहूंगी तो ये कि आपने कहा कि ठंडे दिलो दिमाग से तो ठंडे दिलो दिमाग से तो आप जानते हैं कि ना गजबा हिंद हो सकता है ना कश्मीर आजाद हो सकता है और ना ही फलस्तीन आजाद हो सकता है उसके लिए तो गर्म जो पार्लियामेंट में दिखाते हैं जिहाद के नारे वो जरूरी होती है आप जानते तो है और दूसरी बात की उन्नीस सौ अड़तालीस में जो सीजफायर लाइन हुई थी उससे एक इंच न पाकिस्तान को ज्यादा मिला है ना उससे एक इंच कम हुआ है वही खड़े मामला उन्नीस सौ अड़तालीस जो फलस्तीन में उन्नीस सौ अड़तालीस में अकोम मुतहदा ने तकसीम की थी फलस्तीन की कि एक इसराइल बने एक फलस्तीन बने उसमें बड़ा फर्क आ चुका है जो इलाका फलस्तियों को दिया गया था वो भी जंगों के अंदर हार, हारा जा चुका है तो अब सिर्फ मगरबी किनारा जो है दरिया उर्दन का वो जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं और गजा रह गए हैं तो अब गजवा हिंद जो है वो तो माशाल्लाह यानी उसकी तो जो उसकी जो जवाज है वो भी लोग कहते हैं कि मुतना है उसकी हदीसें जो हैं वो मुबैना हदीसें जो हैं वो सही नहीं है इन बातों के पीछे मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ करने के बाद भी हासिल तो कुछ नहीं हुआ तो अगर सत्तर साल तक आपने एक ही काम किया हो और हासिल कुछ ना हुआ हो तो फिर आपको सोचना तो चाहिए कि कि मुमकिन है वही हासिल करने का कोई और तरीका ढूंढा जाए चेंज कर लेना चाहिए या या वो जो है शेर के तेरी दुआ हो के है वो तेरी आरजू पूरी और मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए ठीक <laughs> सही सही कि शायद आरजू ही बदल जाए अगर पूरी नहीं हो रही सर मैं ये पूछना चाहती थी आपने ये तो बड़ी तफसील से बताया कि पाकिस्तान को यकीनी बात है कि अमेरिका से अच्छे तलुकात बनाने पड़ेंगे और बता, बनाना चाहिए ये हमारे अपने ऊपर है लेकिन क्या क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं बहुत गहरी नजर है आपकी इस बात पर क्या इंतजामिया पाकिस्तान से अच्छे तलुकात चाहती है उस तरफ कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है मेरा ख्याल है कि कोई भी अमरीकी ट्रंप साहब थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी की लेकिन उसके बाद जब उनको लगा इमकान की कोई बात हो सकती है हमारी अस्करी क्यादत ने इंडिया दिया कि अफगानिस्तान में हम आपकी मदद करने को तैयार हैं तो उन्होंने यहाँ बुला भी लिया और दोबारा हमारे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई मसला पहली मुलाकात तो दुनिया का आसान तरीन काम है ना आलिया मतलब यह है कि मुंह दिखाई तो कई लोगों के साथ हो जाती है बात यह कि मंगनी होगी या फिर उसके बाद शादी तक बात पहुंचेगी या बच्चे उसके नही होंगे वो असल मामला है और उसमें जरा मेहनत करनी पड़ती है और उसमें सिर्फ एक फरीक का किरदार नहीं होता दूसरे का भी होता है तो बइडन इंतजामिया ने ये इंडिया तो दिया है कि हम पाकिस्तान की क्या से बात करना चाहते हैं यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं बाइड इंतजामिया के सेक्रेटरी दिफा हैं सेक्रेटरी खारजा हैं जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये सब हमारे फौज के सरबराज जनरल कमर जावेद बाजवा से कई दफ़ा बात कर चुके हैं आ, उनकी कोशिश है कि कोई मामला ऐसा हो कि जिसके नतीजे में फिर मेरे मालूम के मुताबिक कुछ अला सतह और भी रबते हमारे पाकिस्तानी क्यादत के हुए हैं अमरीकियों के साथ आ, मगर बात आगे कैसे बढ़ेगी इसका तयन तो फिर दोनों को मिल के करना होगा तो ये नहीं कहना चाहिए कि बाइडन इंतजामिया अच्छे तल्लु नहीं चाहती अब तक जो उन्होंने रबते किए हैं और बातचीत की उसके नतीजे में मेरा ये ख्याल है कि कोई बात आगे वो बढ़ा नहीं सके ओके okay. सर uh, अफगानिस्तान की तरफ आ जाते हैं इससे पहले कि मैं इंडिया की जानी तो अगर वजीर हूं तो मैं तो हर तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दू पूरी दुनिया में मेरा तो यही इरादा है मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये कहा जा रहा है कि उस विद्रोल के बाद पाकिस्तान पर खासतौर पे और भारत पर

पचास पचास साल चल रहे हैं अमेरिका में नहीं चलने देते वो उसको कहते हैं सेटलमेंट कर लो आगे बढ़ जाओ तो अफगानिस्तान के बारे में भी उनका ये हुआ कि भाई हम इतने साल से बैठे हैं हम क्या कर रहे हैं वहां हमने अलकायदा को तो बड़ी हद तक खत्म कर दिया है तालिबान जितना उनका मुश्किल है अगर उनके साथ कोई सौदा वौदा हो जाए समय हो जाए तो ठीक है फिर जो होगा देखेंगे उनकी कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत हो तो अमरीका अपनी फौजें तो निकाल रहा है लेकिन अमेरिका मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान की हुकूमत को यका तना छोड़ देगा उनको जरूर ये इमदाद देते रहेंगे और अगर उनको थोड़ी बहुत इमदाद मिलती रही तो पता नहीं आपको याद है या नहीं जब रूसी फौजें निकली थी अफगानिस्तान से तो उसके बाद लोग कहते थे कि वो जो नजीबुल्लह की हुकूमत थी काबुल में जो रूसियों ने जिसकी मदद की थी ये वो तो बस दो हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी हमारे जनरल हमीद गुल साहब कहते थे दो हफ्ते में काबुल जो है वो उसमें मुजाहिदीन फातेह हो जाएंगे तो वो ऐसा नहीं हुआ और तकरीबन तीन साढ़े तीन साल तक नजीबुल्ला की हुकूमत कैम रही और उसका खात्मा जब हुआ जब रूस का खात्मा हो गया सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उनके पास इमदाद देने की गुंजाइश नहीं रही तो फिर उसके पास कोई मदद नहीं थी तो अगर अमरीकी मदद जारी रहे तो अफगान हुकूमत तालिबान को मेरा ख्याल है कि बड़े शहरों के ऊपर कब्जे वगैरह से रोक देगी और बिलाखिर फिर तालिबान को अफगानिस्तान के माहौल में ये फैसला करना होगा कि भाई हम कब तक ये लड़ाई लड़ेंगे और जब गैर मुल्की फौजी चली जाएंगी तो वो लोग जो उनका साथ इस बुनियाद पर दे रहे हैं कि ये गैर मुल्की फौज से लड़ रहे हैं तो वो भी मेरा ख्याल है कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे मगर इसके जो दूसरे असरा हैं वो ये हैं कि तालिबान एक इंतहा पसंद ग्रोह है और उनके नजरियात सबको मालूम है और उन्होंने अपने नजरियात में कोई तब्दीली नहीं की उनकी वेबसाइट है अंग्रेजी में भी उर्दू में भी पश्तों में भी आप उस पर चली जाए देख लें उनके नज़रियात में कोई तब्दीली वो बिल्कुल अभी तक ये उनका अकीदा है कि औरतों को नहीं तालीम हासिल करनी चाहिए उनका अकीदा है कि इस्लाम को बजपूर नाफिज करना और इस्लाम की वो तारीफ जो उन्होंने की है या उनके मौलवियों ने की है वही नाफिज करना उनका फर्ज है जदीद दौर की बहुत सारी चीजों से उनको आ, यानी आ, 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 मोटर कारें जदीद चाहिए इसलाह जदीद चाहिए टेलीफोन जदीद चाहिए लेकिन उसके बाद बहुत सारी जदीद चीजें और जदीद सोच जो है उसके वो खिलाफ हैं अः वो डिप्लोमेसी के असूलों को नहीं मानते मतलब आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में भी उन्होंने किया था कि बहुत सारे मुल्कों के लोगों को अगवा कर लिया था अभी भी उनके पास कुछ अमरीकी अगवा शुदा लोग मौजूद हैं जिनको उन्होंने यगमाल बनाया हुआ है तो इस किस्म की सोच रखने वाले लोग जो हैं उनके साथ गुजारा तो नहीं हो सकेगा जदीद सोच वालों का और पाकिस्तान जो है इसके बावजूद के हम लोग जिहाद में मुलविस रहे सियासी तौर पर बतौर मुल्क बतौर एक आ, 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 हुकूमत और ब, बतौर इदारों के हमारे इधारों ने अभी तक ये तो नहीं माना कि जो तालिबान की किस्म का पसमांदा सोच है जो तालिबान की कस्म की पसमांदा सोच है उसको हम आ, इस्लाम करार दे दें और मुल्क में नाफिस कर दें तो फिर ये एक कश्मकश शुरू होगी जो हमारे यहाँ के पाकिस्तानी तालिबान हैं ये भी आप देखेंगे कि दोबारा से इनकी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी और अफगान तालिबान नजरियाती तौर पर उनके करीब होने की वजह से उनकी हिमायत भी करेंगे पिछली बार भी उन्होंने अलकायदा की हिमायत इसलिए की थी कि उनको लगा कि ये, ये, ये साडिल जैसे बंदे ने हमारे जैसे लोग हैं हमारे से नजरिया इनका मिलता है अच्छा फिर उसके नतीजे में जोग्राफियाई तौर पर जो करीब ममालिक मतलब ईरान के साथ उनकी कशमकश शुरू होगी क्योंकि उन उनमें एक बड़ा अह फਿਰकावराना तासुब है पिछली बार भी उन्होंने मजार शरीफ में कई हजार शिया जो है उनका कत्लेआम कर दिया था आ, तो वो ईरान के साथ उनकी एक फਿਰकावराना कशमकश शुरू होगी पाकिस्तान में वो इंतहा पसंद तालिबान की सोच के लोगों की हिमायत करनी शुरू करेंगे उसका असर पाकिस्तान पे होगा और फिर भारत में भी वो इंतहा पसंद जो सोच रखने वाले मुसलमान हैं उनकी हिमायत करनी शुरू करेंगे उनको एक बेस मिल जाएगी लोग वहां जाके तरबियत हासिल करनी शुरू करेंगे दहशत गर्दी की या मुसल्ला होने की तो इस वजह से ये को मजबत नतीजा नहीं होगा ठीक ये जो आपने सारी गुफ्तु फरमाई इसमें मुझे ये भी याद आया कि कुछ दिन पहले सुहे, सुहेल सुहेल शाह उनका नाम है जो कि नुमांदे हैं उनके तालिबान की जिन्होंने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने बड़े सब हैरान हुए उन्होंने कहा हमें एजुकेशन चाहिए इंटेलेक्चुअल्स चाहिए हम हुकूमत के अंदर ये ये तो बड़ी हैरानी हुई कि क्या इनकी सोच बदल रही है जो ये ये बात कर रहे हैं सुहेल शाहीन साहब तो बुनियादी तौर तो पर इस बात पर मामूर हैं कि झूठ बोलें और मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुतयन लोग हैं कि जो हमारे दीन में बुनियादी तौर पर बल्कि हर दीन में झूठ बोलने को बुरा कहा गया लेकिन ये सियासी को झूठ नहीं समझते जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया उसी दिन जो तालिबान की अपनी वेबसाइट थी उसके ऊपर वही बातें थी सारी की सारी कि तालिबान की सोच लें तो ये तो सारा खेल जो है वो ये है कि इनको जब लगता है कि सियासी तौर के ऊपर क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिकी फौज निकल जाए उसके बाद उनको आसान आसानी हो जाएगी कुछ इकतदार संभालने में देखें बहुत सारी ये जो मजहबी सियासी कवते हैं पूरी दुनिया में इनमें मजहब कम है और सियासत ज्यादा है बदकस्मती तो ये 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 खुदा खौफी की वजह से ये सब काम नहीं करते ये सियासत की वजह से ये करते हैं तो ये जो तालिबान है इनकी के जो लोग दोहा में बैठे हैं वो अलग बात करते हैं और जो और जो नंगरहार में हैं या पक्तिया में हैं या पक्तिका में हैं या खोस में वो अलग बात करते हैं और और ये सारे बयान अंग्रेजी में दिए जाते हैं उर्दू में दिए जाते हैं लेकिन ये अपने लोगों से जो खिताब करते हैं और जो बात करते हैं उसमें तो वही बात करते हैं कि हमारा नजरिया वही है जो पहले था ऐसा ही है। आ, पाकिस्तान और भारत की दोस्ती कभी होगी हो सकती है कुछ ऐसा सिलसिला चला सुना कि जनाब यूएई टॉक्स में है और वो करवा रहा है दोनों का उसके बाद तिजारत किया फैसला भी हुआ वापस ले लिया हम हम दोस्ती भी करना चाहते हैं लेकिन हम अपनी कंडीशंस पर दोस्ती करना चाहते हैं कि पहले ये करो तो फिर हम ये करेंगे आपको तो क्या लगता है लफ दोस्ती तो बहुत ज्यादा हो जाएगा जैसे मैंने कहा उस तरह से नहीं होते मुस्तकिली हो। है सबसे पाकिस्तान पाकिस्तान सब ज्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान में कहा से आ सकते हैं पड़ोस के ममालिक आ सकते हैं अगर ईरान मेंसंद हुकूमत ना हो और ईरानियों को आने दे तो वो अपना एक ट्रेन पे बैठे या बस पे बैठे आ गए अफगानिस्तान से आ सकते हैं अगर अफगानिस्तान इतना पसमानदा ना हो जंग ज्यादा ना हो ईरान से आ, 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 भारत से आ सकते हैं हिंदुस्तान से इंडिया से लोग ट्रेनों पे आए तो डॉलर खर्च करेंगे ना पाकिस्तान में आएंगे तो क्योंकि पाकिस्तान एक अलग मुल्क यहाँ इंडियन रुपया तो नहीं खर्च करेंगे और इंडियन रुपया भी हो तो वो फॉरन एक्सचेंज बनेगा हमारा बहुत सारी तजारत की चीजें ऐसी हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान में बड़ा बड़ी बासानी हो सकती है जब भी पाकिस्तान में कभी प्याज का बुहरान होता है तो प्याज कहाँ से आती है सबसे ज़्यादा आसान जगह इंडिया है वहां से प्याज ले लें वहां वैसी प्याज खाई जाती है जैसी हमारे यहाँ खाई जाती है वहां वैसी हरी मिर्च खाई जाती है जैसी हमारे यहाँ खाई जाती है हमारे यहाँ चीनी कभी ज़्यादा पैदा हो जाती है इसको बेचें हम इंडिया को बेचना ज़्यादा आसान है इंडिया जब चीनी हमें दरामद करनी होती है बाहर से मंगानी होती है तो बजाय इसके कि हम लैटिन अमेरिका से मंगाएं चीनी इंडिया से मंगाना हमारे लिए आसान है ट्रेन पे ला दी उन्होंने भेज दी कीमत कम आएगी लागत कम आएगी सीमेंट है हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां जो है वो अपनी जो सलाहियत है उससे कम पैदावार है उनकी क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हो रही तो वो हमें किसी जगह तो बेचनी है उस समय वो हम इंडिया को बेच सकते हैं इंडिया सीमेंट इम्पोर्ट करता है इंडिया साउथ कोरिया से सीमेंट इम्पोर्ट करता है जो पानी के जहाजों पर आती है उसकी लागत ज्यादा होती है यहाँ से ट्रेनों पर जाएगी सस्ती पड़ेगी उनको भी फायदा होगा हमें भी फायदा होगा और इसका हिसाब किया हुआ है हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारी अस्करी क्यादत ने इसका हिसाब किया हुआ है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत की तजारत अगर खुल जाए तो ये अड़सठ बिलियन डॉलर की तजारत होगी अब जरा इसको समझने के लिए आप यूं देखें कि मैंने अभी आपको बताया कि अमरीका और पाकिस्तान की दो तरफा तजारत जो है वो इस वक्त साढ़े छह अरब डॉलर है सिक्स एंड हाफ बिलियन ये होगी अड़सठ अरब डॉलर सिक्सटी एट बिलियन डॉलर उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा अगर गैस की पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से होती हुई इंडिया जाए तो पाकिस्तान को उसकी रॉयल्टी मिलेगी तो ये मफादात हमारे बहुत सारे पूरे होंगे अब हमारे यहां लोगों की क्या सोच रही है हमारे यहां की सोच है हाँ हाँ सब कुछ करेंगे लेकिन पहले कश्मीर तय हो अच्छा इसमें मैं ये कहता हूं कि ये आप देखें कि आपकी अगर अपनी किसी दोस्त से किसी एक बात पे या किसी पड़ोसी से दोस्त छोड़ दें आप पड़ोसी से किसी एक बात पे इख्तलाफ हो जाए कि जी उन्होंने जो दरख्त लगाया है आ, आ, आपकी जो घर का की, बाउंड्री वॉल है उसके उस तरफ उसके फल आपके यहाँ गिरते हैं तो आपको उस पर एतराज है आपने उनसे झगड़ा किया उसके ऊपर अब आप उस झगड़े की बुनियाद पे उनसे बाकी सारे ताल्लुक खत्म भी कर सकते हैं लेकिन क्या पड़ोसियों के साथ जहां इतने सारे इशूज और इतने सारे मफादात और इतनी सारी दिलचस्पी दिलचस्पियाँ क्या ऐसा करना चाहिए तो मेरी सोच हमेशा से ये रही और अब जनरल बाजवा ने भी आपने देखा होगा उन्होंने भी ये कहा कि हमें इस पर गौर करना चाहिए कि जो तनाजा है वो अपनी जगह और जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह और बहुत से मुल्क ऐसा करते हैं स्टे विद मी ऑन दिस पॉइंट मैं इसमें एक भी करना चाह रही हूँ जो अभी आपने बात की बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जो आ, जनरल बाजवा और फौज की तरफ से शायद ये है कि भाई ताल्लुका बेहतर किए जाए लेकिन क्या हुकूमत और फौज इस मामले पर इस सेम पेज पर नहीं है ये देखें ये जो पेज वेज मामला है ना मुझे तो समझ में नहीं आता जब जबकि हर एक कहते है जी एक पेज है सब है एक पेज पे मैंने कहा जी एक तो इतने सारे लोग एक पेज पे समाते कैसे हैं दूसरी बात ये है कि उस पेज पे लिख कौन रहा है भाई अगर लिखने वाला एक लिखने वाला है और दूसरा सिर्फ उस पेज के ऊपर एक नुकते के तौर पर तो उससे तो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर इससे खतें नजर कोई जज्बाती वाली बात सियासी हुकूमत सियासी क्यादत जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती इमरान खान के लिए कंटेनर पे खड़े होकर चीखना आसान है अवाम के सामने आके ये कहना है कि भाइयों पाकिस्तान के मफाद में है मैं कहता था कि टूरिज्म हो हमने अंदाजा लगाया बातचीत की है उसके नतीजे में हमें पता चला है कि अगर हम ये इंडिया का टूरिज्म खोलें तो इतने हजार टूरिस्ट आएंगे इतने करोड़ डॉलर की आमदनी होगी तो आ, 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 गैस की पाइपलाइन बनेगी तो हमें ये फायदा होगा आ, इंडिया की जो पोर्ट्स हैं वो थोड़ी सी हैं बाज पोर्ट्स तो अगर वो उनका उनकी दरामदात हमारी उस पर बंदरगाहों पे आनी शुरू हो जाए तो हमें ये फायदा होगा इसलिए भाइयों मैंने फैसला किया है फिर मैं ये भी चाहता हूं कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं खुद मेरी अहलिया हैं वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज चक्कर की मोतद हैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जाना चाहते हैं उन दरगाहों पर जो हमारे बुजुर्गों की हैं और जो इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, दर न... है हजरत हजरत गालिब का मजार है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है तो हम वहां जाए तो मैं इस वजह से चाहता हूं कि भाईयो हम जरा इस पे गौर करें कश्मीर हमारे जो भी कश्मीर के बारे में हमारा मौकफ है हम वो नहीं बदल रहे लेकिन हम बाकी सारे ताल्लुक को उस एक नुकते की बुनियाद के ऊपर उनको मनसूख करने की पॉलिसी बदल रही है ये तकरीर करना इमरान खान साहब के बस में लग नहीं रहा क्योंकि उनको डर ये है कि फिर उससे उनकी हिमायत थोड़ी कम हो जाएगी लोग कहेंगे कहेंगे मोदी का जो यार, जो जो यार है जो उसका है कि वो कि सौदा कर दिया उसका ये खुद हरकतें कर चुके हैं जब नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल समझदारी के साथ मेरी में ने उनके समझदाराना फैसलों में से था उन्होंने वाजपेयी साहब के साथ उन्नीस में बातचीत शुरू की थी और अब उन्होंने दोबारा बातचीत शुरू की तो ये और इससे पहले पीपल्स पार्टी भी मोहतरमा बे नदीर भुट्टो ये कोशिश कर चुकी थी तो ये क्योंकि उन लोगों के ऊपर लान तान बेवजह की गई तो ये आसान काम नहीं होता लेकिन बड़ा लीडर जो होता है वो कर लेता है भाई जब आपने मुश्किल फैसले लेता है जब आपने इतने सारे यू टर्न किए हुए हैं तो सारे यू टर्न जो है वो सिर्फ छोटी छोटी बातों पर तो नहीं होना चाहिए जरा एक बड़ा यू टर्न भी कर ले जिसके नतीजे में मुल्क को फायदा हो जाए वो वो करने को तैयार नहीं है मगर बुनियादी तौर पर हमें पूरी कौम की सोच बदलनी होगी देखें, ये तो चीन के जब सदर आए थे पाकिस्तान जंग मिन उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खिताब किया था और उन्होंने फरमाया था कि देखो चीन ने बहुत सारे तनाज़ात को एक तरफ रख के बा, बाकी मामला पे आगे बढ़ना शुरू कर दिया है क्योंकि यही मनतकी बात होती है। चीन का चीन कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है अमरीका ताइवान को एक अलग मुल्क के तौर पर कायम किए हुए बैठा है अमलन उसका उस मुल्क के किसी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं है दो चार के अलावा और अमेरिका के साथ भी ताल्लुक नहीं लेकिन अमेरिका कहता नहीं ताइवान को अपना आइडेंटिटी रखने का इन कहते नहीं जी ताइवान हमारा हिस्सा है लेकिन क्या इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने अमरीका से और उन तमाम ममालिक से जो ताइवान के साथ तल्लु रखते हैं उनसे ताल्लुक तोड़ लिए नहीं तोड़े उल्टा उन्होंने ताइवान से ताल्लुक कायम कर लिए जिसको वो अपने मुल्क का हिस्सा करार देते हैं उसकी हुकूमत अपने आप को एक अलग हुकूमत के तौर पर रखे हुए वो उसके साथ तिजारत करते हैं और इस वक्त चीन और ताइवान की अरबों डॉलर की तिजारत है अरबों डॉलर की आप जरा चेक कीजिएगा गूगल करके ताइवान चाइना ट्रेड आपको फिगर मिल जाएगा कई अरबों तो ये होता है समझदाराना रवैया और ये होता है जज्बाती रवैया कि जनाब हम तो जब तक ये बात हल नहीं होगी तब तक हम ना बात करेंगे ना तिजारत करेंगे ना होने देंगे, दरगाहों पे आने जाने देंगे और तो ये होता है रवैया दुश्मन वाला और मेरा कहना यह है कि दुनिया में कोई मुस्तकिल दुश्मन Very well said. नहीं होना आ, नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक ठीक साहब आखिरी सवाल आपके हवाले से ही। कि अब फर्ज कीजिए अब दो साल रह गए कितने अर्सा रह गया अगले इलेक्शन में और वो हो सकता है हालात जो नजर आ रहे हैं कि एक साल पहले ही हो जाए या चलिए फर्ज कीजिए मुद्दत हो जाती है अगली कीजिए कि जो देखा जा रहा है हो सकता, PTIK, हो सकता PMLN, Party, को यासी आती है पीटीआई तो की उसमें क्या आपके वापस आने के या हुकूमत में किसी शामिल होने के या यूनाइटेड स्टेट्स में कोई पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करने के कोई आपके जेन में कोई मैपिंग है या कुछ चांद है देखे मैं तो बहुत कई साल हो गए मैं 2002 में अमेरिका आया था प्रोफेसर था यहाँ अच्छा भला यूनिवर्सिटी में मोहतरमा बे नज़ीर भुट्टो ने कहा था मुझसे कि जनाब आप किरदार अदा करें हम सब कुछ बदलने वाले हैं बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं और मोहतरमा से मुझे बहुत उन्स था बहुत ताल्लुक था उनका बहुत एहतराम मेरे दिल में था और है और रहेगा और उनसे करीबी तल्लु की वजह से मुल्क में दोबारा जमहूरीत को बनाना जमहूरी नज़ाम को बहाल करना मुशरफ साहब के बाद वो एक अहम मकसद था इसलिए मैंने फौरन सिफारत कबूल की और बतौर सफी मेरा ख्याल है कि काफी अच्छा काम किया मुनासिब काम किया अस्करी क्यादत ने भी उस वक्त उसकी तारीफ की तावकते के अः बिन लादन वाले हमले के बाद उनको बदलना पड़ा रुख और सोचा उन्होंने कि भाई किसी के ऊपर मलबा डाला जाए तो किसी ने मलबा डाल दिया जो भी हुआ तो मैं तो सरकारी अहदों की तलाश में कभी नहीं था कई कई बरस से और यहाँ बैठा हूँ चार किताबें मेरी आ चुकी हैं एक और आ जाएगी पांचवी मैंने ये तय किया है कि ये जो इल्मी काम है कि पाकिस्तान की तारीख के बारे में जो एक मस्त तारीख आप सबको पढ़ाई गई है उसकी जगह एक हकीकी तारीख लिखी जाए आ, लोगों को हक बयान किए जाएं और एक हकीकत पसंद पाकिस्तान कैसा हो बैद वे ये मेरी एक नई किताब का टाइटल भी है उर्दू में हकीकत पसंद पाकिस्तान कैसा हो अच्छा। में अंग्रेजी में उसका टाइटल है री रास्ता निकले आप किसी, को, किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको कहना पड़ता है ये गलत हो रहा है इसको इस तरह करोगे तो सही होगा तो अब वो किस तरह होगा वो मैंने पूरा एक एजेंडा उसका लिख दिया हकीकत पसंद पाकिस्तान कैसा हो मैं तो ये इलमी काम भी किसी को तो करना है क्योंकि पाकिस्तान में तो हो नहीं रहा बदकुस्मती यह है कि आप देखें ना जो हमारे सब छोटे मोटे कॉलम ने और इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे वो मुझे कहते थे जब मैं बहुत यंग था उन्होंने कहा बेटा ये बताओ कि इमाम गजाली जो हैं उनके जमाने में वजीर कौन कौन था मैंने जानकारी मुझे क्या पता उनका जो बादशाह थे उनका भी सबका नाम याद है वो इतने साल जिंदा रहे उसमें कितने कितने कौन कौन खलीफा था कौन कौन बादशाह था कौन कौन गवर्नर था कौन क्या था उन्होंने कहा मगर इमाम गजाली याद हैं मैंने कहा हाँ कहने के बेटा क्यों याद हैं मैंने कहा किताबों की वजह से याद हैं तो उन्होंने कहा बस ये याद रखना तो अब इस उम्र में मुझे यही याद है कि मेरी किताबें जो हैं वा, वो 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 मेरे जाने के बाद दुनिया से रख्सत होने के बाद यूनिवर्सिटियों में होंगी पढ़ाई रही होंगी इस वक्त भी अलहमदिल्ला मेरी दो किताबें ऐसी हैं कि जो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में बरतानिया में खुद पाकिस्तान में कई जगह भारत में पढ़ाई जाती हैं कोर्स में शामिल है मुख्तलिफ़ानों में उनके तर्जुमे हो चुके तो वो किताबें जो हैं वो तारीख में मेरा ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा या जहाँ माशाल्लाह, अब इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे तवील वजीर रहने वाले साहब जो हैं उनको लोग टली टल्ली कहते हैं तो उनकी तरह लंबा चौड़ा आदमी वजीर रहे काफी अरसे तक और, और आखिर में पल्ले कुछ भी ना हो कोई ऐसी याद ना हो कि जिसकी वजह से लोग अच्छी तरह याद करें तो बेहतर यह है कि यह फिक्री और इल्मी काम किया जाता रहे और इस फिक्री और इल्मी काम के साथ साथ अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में अगर कोई बेहतर राय बनाने में, में मेरा किरदार हो सकता है तो वह मैं हमेशा अदा करता रहूंगा थैंक यू सो मच सर सोच के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक ऐसा नहीं होगा ये काम नहीं होगा कि सोच जो है वो किसी और की हो और यहाँ उसको कहा जाएगा भाई जी अपनी सोच छोड़ दें आप लेकिन देखें ना पाकिस्तान के लिए भाई मैं पाकिस्तान के लिए इसी सोच को अच्छा समझता हूं ये समझना किसी के लिए क्यों मुश्किल है कि एक आदमी अपनी सोच के मुताबिक ही मुल्क की खिदमत कर सकता है ना या मुल्क की हिमायत कर सकता है वो अपनी सोच के खिलाफ तो मुल्क की हिमायत या खिदमत नहीं कर सकता इस सर वो शायद इसलिए कि वो हुकूमत में जब कोई किसी हुकूमत के साथ अटैच होता है तो वो समझते हैं ना कि अब वो हुकूमत के उस हुत चलेगा नैरेटिव पे तो हुतें तो यही चाहती है लेकिन थैंक यू सो मच आप बहुत मशहूर इंसान है आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा आप बेफिक्र रहिए और मैं आपकी जो आपने मुझे वक्त दिया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ थैंक सलॉट और दोबारा भी आपसे जल्दी मुलाकात होगी बात होगी और नाजरीन आपका भी बेहद शुक्रिया थैंक यू सो मच मिस्टर खान थैंक यू